हेलो स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम्स आज हम चैप्टर करेंगे लेसन सेवन ऑफ़ योर बुक इंट्रोड्यूसिंग एम एस ऑफिस एक्सेल एम एस ऑफिस एक्सेल के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2010। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2010 है क्या

कर सकते हो ठीक है इट इज़ यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस क्विकली इसकी हेल्प से आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जैसे कि प्लस माइनस डिवाइड या कोई भी फॉर्मूला वो इजीली सॉल्व कर सकते हो अब ये तो हम सब जानते हैं कि अगर हम कुछ खुद सॉल्व करते हैं तो वो हम थोड़ा स्लो करेंगे और अगर कोई काम कंप्यूटर करेगा वो फास्ट करेगा तो इसलिए हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इसमें करते हैं तो वो जल्दी होती हैं वट इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती क्या है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज टू परफॉर्म न्यूमेरिक कैलकुलेशंस ईजिली इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसके अंदर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ईजिली कर सकते हैं मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल एक प्रोग्राम है जिसमें हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल की ही एक शीट को हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बोलते हैं जो हमें स्क्रीन पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल ओपन करने में दिखाई देता है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बोलते हैं और उसी पर हम वर्क करते हैं ओके इन्हें इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पीपल कैन इंसर्ट फॉर्मूला टू वर्क विद द डाटा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में हम कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं अपने डाटा के साथ वर्क करने के लिए अगर हमें प्लस करना है तो हम प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं या परसेंटेज निकालनी हो कोई भी फॉर्मूला हम इसमें लगा सकते हैं और वो काम इजीली कर सकते हैं ओनली द डाटा एंड कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मूला नीड्स टू बी एंटर्ड सिर्फ हमें क्या करना है डाटा डालना है और जो फंक्शन हमें परफॉर्म करना है उसका फार्मूला एंटर करना है एंड द रिस्क ऑफ द कैलकुलेशन विल बी डन ऑटोमेटिकली और बाकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली होगी उसमें हमें कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हमारा काम इसलिए इजी हो जाएगा लर्निंग अबाउट द वर्कशीट एंड वर्कबुक बुक अब वर्कशीट और वर्क बुक क्या है अब वर्कशीट इन एक्सल कंसिस्ट ऑफ अ ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स विच इंटरसेक्ट फॉम सेल वे आर यू एंटर डाटा एक वर्कशीट जो है एक एक शीट है जो हमें एक स्क्रीन पे एक शीट दिखाई दे रही है दैट इज वर्कशीट और ये ग्रिड फॉर्म में होती है रोज और कॉलम्स होते हैं इसमें और जहाँ एक रो दूसरे कॉलम से एक कॉलम से मिल रही है वो एक सेल फॉर्म करते हैं मतलब जहाँ एक रो एक कॉलम से मिल रही है इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ एक सेल बनता है जिसमें हम अपना डाटा एंटर कर सकते हैं एंड एक्सेल डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड अ वर्क बुक एक्सेल का पूरा डॉक्यूमेंट वर्क बुक है एंड इज विद द एक्सटेंशन डॉट और जब हम उसे सेव करते हैं तो वो एक एक्सटेंशन के साथ सेव होता है जो कि है डॉट मतलब अगर मैं कोई काम करके एक्सेल में उसे वर्कबुक को सेव करती हूँ और मैंने उस वर्कबुक का नाम फॉर एग्जांपल कंप्यूटर रखा तो सेव कैसे हुआ कंप्यूटर डॉट एक्स एल एस एक्स क्योंकि डॉट एक्स एल एस एक्स उसकी एक्सटेंशन है वो उसके नेम के साथ बाद में अपने आप ज्वाइन हो जाएगा लाइक अ नोटबुक कंसिस्ट ऑफ मैनी शीट्स जैसे नोटबुक में हमारी नोटबुक में बहुत सारी शीट्स होती हैं वर्क बुक इन एक्सेल कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ वर्कशीट्स ऐसे ही एक्सेल की वर्कबुक में बहुत सारी उसकी वर्कशीट्स होती है वर्कशीट एक पेज है और जब बहुत सारी वर्कशीट्स एक साथ मिल जाती हैं तो वो एक वर्कबुक फॉर्म करती हैं ओके नेक्स्ट इज अबाउट सेल एड्रेसेस अभी हमने पढ़ा जहाँ रोज और कॉलम्स इंटरसेक्ट होते हैं वो एक सेल फॉर्म करते हैं अब इसका एड्रेस हम कैसे फाउंड करते हैं देखिए ईच सेल इन अ वर्कशीट इज रेफर्ड एज अ कॉलम रो कॉम्बिनेशन हर सेल जो होता है वर्कशीट में वो एक रो और एक कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है जहाँ एक रो एक कॉलम से इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ एक सेल बनता है जैसे कि बी टू डी फोर ई फाइव एटसेट्रा अब ये कैसे होता है हिरो द फर्स्ट कैरेक्टर जो इसमें फर्स्ट करेक्टर है बी डी ई ये जो हैं कॉलम के एड्रेसेज हैं जो फर्स्ट करेक्टर है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है एंड द सेकेंड करेक्टर रिप्रेजेंट्स द रो एड्रेस टू फोर फाइव जो बी टू है इसमें बी कॉलम है और टू रो है डी फोर है डी कॉलम है यानी कि डी कॉलम का नेम है और फोर रो का नेम है जहां डी नाम का कॉलम और फोर्थ रो इंटरसेक्ट करेगी वहां डी फोर डी फोर सेल बनेगा ओके वेन यू क्लिक ऑन अ सेल इट बिकम्स एक्टिव जब हम किसी भी सेल पे क्लिक करते हैं वो एक्टिव हो जाता है एक्टिव मतलब आप उस पर वर्क कर सकते हो जैसे अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि एक्टिव सेल एरो एरो बन के एक्टिव सेल लिखा हुआ है सी थ्री पर और आप देख सकते हो सी थ्री सी थ्री की जो बाउंड्रीज़ हैं वो और बाकी सेल से डार्कर हैं क्योंकि इस पर हमने क्लिक किया है जिस सेल पे हम क्लिक करते हैं उसकी बाउंड्रीज ऐसे बाकियों से डार्क हो जाती है ये एक एक्टिव सेल होता है और इस पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हो कोई भी फॉर्मूला कोई भी नंबर कोई भी नेम कुछ भी जब कोई सेल एक्टिव सेल होता है तो उसकी बाउंड्रीज ऐसे डार्कर हो जाती हैं ओके okay? कॉम्पोनेंट्स ऑफ एक्सेल स्क्रीन अब एक्सेल स्क्रीन के कॉम्पोनेंट्स क्या क्या हैं जब हम एक्सेल ओपन करते हैं तो हमें ऐसी स्क्रीन दिखाई देती है ये पूरी स्क्रीन आपको तब ऐसे ही ब्लैंक दिखाई देगी जब आप एम एस एक्सल ओपन करोगे अब इस पर हमें क्या क्या दिखाई देता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे फर्स्ट इज टाइटल बार द टाइटल बार शोज़ द नेम ऑफ द करेंट वर्क बुक इन विच यू आर वर्किंग टाइटल बार में उस वर्कबुक का नेम दिखाई देता है जिस वर्कबुक पे आप वर्क कर रहे हो एंड थ्री स्टैंडर्ड विंडोज बटन ऑन इट साइड और उसके साइड में थ्री थ्री स्टैंडर्ड विंडोज बटन होते हैं जो कि मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्लोज का है ये तो हम हर एप्लीकेशन में देखते ही हैं टाइटल बार में मेनली जो है उस वर्कबुक का नाम होता है जिस वर्कबुक पे आप वर्क कर रहे होके okay? क्योंकि टाइटल बार आप नेम से ही समझ सकते हो टाइटल जैसे हम बुक में कोई काम देखते हैं तो उसका सबसे पहले टाइटल होता है कि इस बारे में हम पढ़ेंगे ऐसे ही उस वर्कबुक का नाम होगा जिस पर आप वर्क कर रहे हो टाइटल बारे में नेक्स्ट इज रिबन द रिबन गिव्स यू ऑल द ऑप्शंस टू वर्क फ्रॉम अ सिंगल एरिया रिबन के अंदर सारे ऑप्शंस होते हैं आप एक सिंगल एरिया में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हो और उसकी हेल्प से वर्क कर सकते हो यू विल फाइंड द वेरियस tabs लाइक like, इसके अंदर हमें बहुत सारे टैब्स दिखते हैं जैसे कि होम इंसर्ट पेज लेआउट फॉर्मूला ऐसे टैब्स हमें दिखते हैं ये सब चीज़ें रिबन में ही होती हैं ये जो पूरा एरिया होता है आपका वर्कशीट का ये जो पूरा एरिया है आपका वर्कबुक का ऊपर ये रिबन होता है जिसके अंदर हमारे सारे ऑप्शंस होते हैं जिसे यूज़ करके हम वर्क कर सकते हैं नेक्स्ट इज कमांड बटन्स वेन यू क्लिक ऑन अ टैब जब हम एक टैब पे क्लिक करते हैं द कमांड बटन्स रिलेटेड टू दैट टैब अपियोर तो उस टैब में जो भी कमांड बटन्स होते हैं वो सारे हमारे सामने आ जाते हैं यू क्लिक ऑन अ कमांड बटन टू कैरी आउट इंस्ट्रक्शंस हम किसी भी टैब पे क्लिक करेंगे अगर मैं इंसर्ट टैब पे क्लिक करती हूँ तो उसके सारे जो भी ऑप्शन होंगे जो भी उसके अंदर कमांड बटन होंगे सारे ओपन हो जाएंगे अगर मैं होम टैब पे क्लिक करूंगी तो उसके अंदर जो भी कमांड बटन होंगे सारे ओपन हो जाएंगे जैसे कट कॉपी पेस्ट या जो भी ऑप्शन होंगे उसमें और उसकी मदद से मैं इंस्ट्रक्शन दे सकती हूँ उसे वर्क करने के लिए पॉइंटर द सेल पॉइंटर इज रेक्टेंगुलर पॉइंटर विच यू मूव टू सेल मेक्स इट एन एक्टिव सेल सो डैट ऑपरेशंस कैन भी परफॉर्म डॉन इट सेल पॉइंटर एक रेक्टेंगुलर पॉइंटर होता है जब हम सेल पॉइंटर को मूव करते हैं जिस भी सेल पर हम ले कर जाएंगे उसकी लाइन्स डाकर हो जाएंगी अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो और वो एक एक्टिव सेल बन जाएगा यानी कि हम उसमें कुछ भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं और हम वो देख ही चुके हैं हम एक पिक्चर में कि वो एक्टिव सेल की बाउंड्रीज और सेल से डाकर होती है नेक्स्ट इज नेम बॉक्स द नेम बॉक्स शोज द नेम ऑफ द एक्टिव सेल नेम बॉक्स में एक्टिव सेल का नेम शो होता है जिस भी सेल पे आप क्लिक करोगे उसका नेम आपको नेम बॉक्स में शो होगा अगर वो ए फाइव है तो ए फाइव बी टू है तो बी टू फॉर्मूला बार वेन यू क्लिक ऑन अ सेल यू कैन सी एंड एडिट इट्स एडिट इट्स कंटेंट्स इन द फॉर्मूला बार जब हम किसी सेल पे क्लिक करते हैं और हमें उसे एडिट करना है या फिर उसे देखना है तो हम उसे फार्मूला बार में देख सकते हैं उसमें जो भी लिखा हुआ है सेल में जो भी लिखा है वो आपको फार्मूला बार में पूरा दिखाई देगा नेक्स्ट इज वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा यू कैन एंटर वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा इन ए वर्कशीट हम वर्कशीट में अलग अलग टाइप का डाटा एंटर कर सकते हैं वी विल बी लर्निंग अबाउट द टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक डाटा अब हम टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा के बारे में पढ़ेंगे टेक्स्ट डाटा टेक्स्ट डाटा कैन कंसिस्ट ऑफ एल्फोबेट्स कॉम्बिनेशन ऑफ एल्फोबेट्स स्पेसिस एंड नंबर्स फॉर एग्जाम्पल सनी सेक्टर एट्सेट्रा टेक्स्ट डाटा के अंडर आता है टेक्स्ट एल्फोबेटिकल फॉर्म एल्फोबेट्स जैसे ए बी सी डी या उससे मिल के बना हुआ कोई भी वर्ड ये सब आपका टेक्स्ट डाटा के अंडर आता है न्यूमेरिक डाटा न्यूमेरिक डाटा इंक्लूड नंबर्स ज़ीरो टू नाइन एंड करेक्टर्स न्यूमेरिक डाटा के अंदर आपके सारे नंबर्स आते हैं ज़ीरो से लेकर नाइन तक और या फिर कोई भी स्पेशल करेक्टर्स जैसे एट द रेट परसेंटेज प्लस माइनस या डॉलर का साइन या कुछ भी जो भी सिंबल है या फिर कोई भी नंबर्स जो है वो न्यूमेरिक डाटा के अंदर आते हैं ओके okay, स्टूडेंट्स आप ये सब चीज़ें अपने पी में या लैपटॉप में एम एस ओपन करके भी देख सकते हैं ओके स्टूडेंट्स take care